तो ये 4 साल पहले उधर का, आज विजट पर आया वो दुबई में सेट है, दुबई की कंपनी से फिर से हम उनको फिर से जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जो वाकई हमें दूर नजदीक से लेकर आता है, आज हम बेशक यहाँ पर जमा हैं जिस इरादे से भी, जिस मकसद से भी, तो हम सब जानते हैं कि ये खुदा की खास मर्जी है, ये खुदा का खास करम है, ये खुदा की खास मेहरबानी है, बल्कि खुदा वाकई ही मेहरबान है, वो हमारे ऊपर हमेशा रहम करम फजल करता है और अपना दायना हाथ हमारे ऊपर। आज का अनुमान होगा खुदा मेहरबान, वाकई ही खुदा अपने लोगों के ऊपर हमेशा रहम करम फजल करता है। जो हम भूल जाते हैं वो हमें याद तो नहीं कराता, बल्कि वो हमें ऐसी एक आजमाइश में डालता है और फिर उसमें से निकालता है। ये खुदा का क्या है, मेहरबान वाला करम होता है, यानी मेहरबानी जो हम पर वो करता है वो तो मेहरबान है, लेकिन उसकी मेहरबानियां जो हमारे ऊपर होती हैं वो हम अक्सर भूले होते हैं, अक्सर हमें याद होती है, अक्सर हम याद भी करते हैं तो कहते हैं शायद याद करूंगा तो फिर मुझे नुकसान है। हमारी सोच है, इंसानी सोच ऐसी है कि हम ये सोचते हैं और वो हमारे साथ फिर से दोबारा वही मुश्किल परेशान करती है। लेकिन जो लोग खुदा की मेहरबानियों को याद रखते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है, खुदा उनको बुलंदियों पर ले जाता है, खुदा उनको किसी जगह पर भी झुकने नहीं देता। बस उसकी शुक्रगुजारी कहां से करनी है, मुंह से ताकि लोग जाने कि नहीं, दिल से और जुबान से भी और खुदा के रूह से भी जो आपके अंदर खुदा ने पाक निकाला है, इसकी 4 बार उसकी पद की सहायता उसका 4 बार उसकी पद की सहायता में देखें क्या लिखा हुआ है। और एक दूसरे पर क्या हो, एक दूसरे पर क्या हो जाओ, और आगे क्या लिखा है, नरम दिल हो जाओ। मेहरबान तो होना है, उसके साथ क्या है, नरम दिल हो जाओ। जिस तरह खुदा ने मसीह में क्या है, जिस तरह खुदा ने मसीह में क्या किया है, हमारे कसूर माफ किए हैं, तो आगे क्या है, एक दूसरे के कसूर माफ करो। हालेलुया, खुदा को इस बात पर आप पर बात करें। आज खुदा वाकई ही अपना सबूत देगा, अपने कलाम से बयान करेगा, अपने कलाम से बताएगा कि वाकई ही मैं तुम लोगों पर हमेशा मेहरबान रहता हूं, हमेशा तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। आप जानते हैं कि हमारा खुदावन वादों का सच्चा खुदा है, वो हमारे साथ साथ जो वादे करता है और जो इस कलाम में वादे लिखे हैं उन पर वो कायम और दायम रहता है। फकत हमें ये इत्तेकाद रखना है कि खुदा ने एक वादा किया था जो उसके सामने झुकता है, सजदा करता है, उसकी इबादत प्रस्तिश रूप और शय से उसकी बंदगी करता है, वो उसके हर एक काम में बंद पे नाजर करता है। जैसे आज हमारे बेटे हमारे भाई को खुदा ने क्या किया, एक औलाद बख्शी। हर कोई जब उसकी औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पहली औलाद पर उसको खुशी होती है। लेकिन हमारा एक कल्चर है पाकिस्तानियों का, अगर बेटा हो ना तो वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि हम गरीब मुल्क से तलक रखते हैं, हमारी आमदनी भी मकबूल होती है और इसलिए सब लोग बेटे ही मानते हैं। और लेकिन जो खुदा की प्लानिंग है, जो खुदा की मेहरबानी है, हम उसको भूल जाते हैं और उसके सामने डिमांड करते हैं और कुछ वक्त हमारी डिमांड पूरी हो जाती है और फिर हम गुवाही के लिए आ जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, बेटा हो या बेटी, ये खुदा से कहें
कि हमें इसकी खुशियां देख नसीब कर और हम इसकी तबीयत अच्छे तरीके से साथ कर और खुदा के नाम को हम और ज्यादा इज्जत और जलाल दें। जिस बंदे के पास एक ऐसी खुशी 100 साल के बाद मिली हो उसको औलाद तो वाकई ही बहुत प्यार है। पैदाइश 18 बात जरा देखें, जब वो बंदा सखीफ था 100 साल का था और कैसी खुशी उसको मिलती थी, लेकिन वो खुदा की मेहरबानियों को कभी भी भूला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भी उसको खुदा के बंदों की, खुदा के बंदियों की खबर होती थी, उनके लिए भागता था, दौड़ता था, चलता था उनकी खिदमत करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और जब वो खुदा की मेहरबानियों को याद करता है और खुदा उसके ऊपर मेहरबान, आप जरा देखे पैदाइश कितना 18 बाद उसकी 3 आयत से जरा पढ़े क्या है, और कहने लगा कि है मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने नजर करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताजा दम हो जाएं। आमीन। क्या लिखा है वो क्या कहता है, और कहने लगा, वो कौन था? 100 साल का बंदा था, 99 साल की थी। क्या था? 100 साल का बंदा, यानी 21 साल का ही कह रहा हूं, कितना कहना है? क्योंकि आज इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, जब हम 50 साल के होते हैं तो क्या कहते हैं? सिल्वर। आज का 50 साल, तो आज मेरी सिल्वर जुबली है 2 दिन पहले, तो जब मैं 75 का होऊंगा तो क्या होऊंगा? मैं डायमंड जुबली हीरे दी जुबली। यानी जब मैं पैदा हुआ था 50 साल पहले, तो मेरे माँ बाप ने भी बड़ी खुश किया, और आज मुझे मौका मिल गया कि मैं भी आज अपनी बेटी, अपनी पोती, जो कुछ भी मेरे साथ उसका रिश्ता होगा, जैसे भाई कसाल के साथ है, सॉरी, उनको मैंने मुबारकबाद भी दी, उसकी नानी भी, उसका दादा भी और उसकी दादी भी थी, और पूरे उसके घराने के लोग हैं, चाचा, ताया और भी दूसरे रिश्तेदार सबको, आज क्या मेरी सिल्वर दे, मैं 50 साल का हूँ, एक केक लेकर आया हूँ, डॉक्टर सनी रात को सरप्राइज दे कर दिए थे, एक आया। मैं बहुत सालों से कहता था यार नहीं, जो मेरे ये पैसे बचते हैं मैं किसी और मकसद में खर्च करूँ, लेकिन खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, उनके दिलों में जो अपनी खुशियां रोक लेते हैं, खुदा उनके दिलों को तैयार करता है कि ये इसने अपनी खुशियां रोक लिया, इसके साथ जाकर खुशियां बना दो। मैं खुश हो जाऊंगा, खुदा उसको ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जब खुदा खुश होता है, मेहरबानियां करता है आपके ऊपर, तो आपको दिल से, रूह से, सच्चाई से क्या करना है? क्या था यहाँ पर वो ज़हीफ, खुदा का बंदा, खुदा से तल्लक रखने वाला, उसने देखा कि 3 आदमी चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं और उनको उसने रोक लिया। जब उसने रोक लिया तो क्या हुआ? वो कहता है कि आज तुमने यहां पर ठहरना है, आज मुझे मालूम है, क्योंकि जो रास्तबाज होते हैं, ईमानदार होते हैं, अकल से चलते हैं, रूह से चलते हैं, उनको दूसरे आदमियों में वही सूरत, वही अंदाज, वही शक्ल नजर आती है। और वो थे खुदा के 3 लोग, खुदा खुद भी था, और यहां पर इकरार करता है कि आज तुमने मेरे साथ रुकना है, आप मेरे साथ ज़ियाफ़त करें, मैं ताकि आपसे मेहरबानी हो, जो मेरी मेरे ऊपर आपकी करम की नजर है, ताकि मैं आपके ऊपर आपको खाना खिलाऊं, आपको क्या करूं, खाना खिलाऊं, खिदमत कर सकूं। और 50 साल का मैं थोड़ा यह दौड़ का फायदा है, वो 100 साल का था, तो वो भी क्या कर रहा था, भाग कर गया ना अपनी बीवी के पास, जो उसकी बीवी सारा थी, उससे पहले उसको बरकत मिल गई है, उससे पहले अगर हम 17 बाब को भी पढ़े ना, उससे पहले खुदा ने सैरी को क्या कहा था,
अब से तू सैरी नहीं बल्कि तू सारा है। और ये बरकत दे दी गई थी, और वहां पर भी ना बच्चा था ना और कुछ था, और कहा गया था कि तेरे हाँ एक बेटा पैदा हो, एक बेटा तुम्हें को कहा था, लेकिन तेरी नस्ल को लिखा गया है, तेरी नस्ल को ऐसा बढ़ाऊंगा कि वो कौमों में हुकूमत करेगी। और खुदा ने ऐसी बरकत उसको दी। तो हम तो बहुत से बेटे जो लिखे गए हैं, उसका बेटा था हाजरा से, बतूरा से भी बेटे थे, और सारा से भी है, सारा से एक ही है, और उसी से खुदा उसको बरकत दी, और उसी से, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी से तुझे बरकत मिलेगी, क्या कहा था, तेरी नस्ल को बरकत मिलेगी। आज जो भी खुदा के सामने अपने आप को झुकाएगा और उसके सामने झुक जाएगा, यहां पर क्या लिखा है, अगर हम दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ें, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखा है कि तीन मर्द उसके सामने खड़े हैं। कितने मर्द हैं? वो उनको क्या देख करता है, और उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को क्या हुआ, दौड़ा, चलता गया, नहीं दौड़ा है, आज जितनी खादम आएगा देसी दौड़ा के बंद करो दरवाजा है, क्या करेंगे, बंद करो। किसी वक्त ऐसा हमारे घर में भी माहौल था, बात करवाते थे, क्योंकि हम ऐसे भी है कुछ लोग जो अपनी मुश्किलों को कुछ छोड़ते हैं, उसमें हमारा घरवाला भी है जो पहले से हमें करीब किया होती है, हम उसके एक बात बात करते हैं, तो बाद में उसे थोड़ा सा हम किनारा करते हैं, और बाद भी अगले दिन हम खुद हम भी दरवाजा कर देते यार अगले घर चला जाए, असं ऑलरेडी चर्च करने हैं, दुआ करने हैं, फादर के द्वारा मिलाते के साथ, लेकिन जब जब खुदा अपने लोगों पर मेहरबान होता है, उनके ऊपर मेहरबानियां करता है, उनके जहन, उनके दिल, उनकी सोच बदलती रहती है, और खुदा ने आज हमें इस कदर हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि मैं आपके सामने क्या हूँ, फादर, आपका फादर, आपका भाई, आपकी खिदमत करके, खुदा की खिदमत करके खुश होता है, और ऐसे ही वो भागता दौड़ता गया, उनको वेलकम करता है और उनको अपने घर में अपने पैमा में उठने का कहता है, थोड़ी देर आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ, अपने नौकर को बुलाता है, पला हुआ बच्चा जबा करो, अपनी बेगम को कहता है तीन पैमाने आटा और फुलके बना दो, आज मेरे साथ कुछ मेहमान है, उनको खाना खिलाऊंगा और मेरा दिन। और जैसे ही उसने ये सब कुछ किया तो खुदा ने तीनों मर्दों ने पूछा, तेरी बीवी को उसकी बीवी सुन रही, और जब वो खैमा के अंदर से उसको आवाज जा रही थी तो वो क्या जैसे कहेगा हसी हंसने, वो कहती अब तो मेरी बहुत को जैसी हालत नहीं रही, मैं तो जखीफ हूं, मैं तो इस हालत में नहीं हूं कि मेरे हाँ कोई औलाद पैदा हो, लेकिन फिर भी खुदा के तत्व ने उसकी वो बात ना मानी, बल्कि अपने बंदे की हिम्मत देखी, उसकी मेहरबानी देखी, उसकी कदर देखी, और सारा को पर हालेलुया हालेलुया, खुदा आपकी बरकतों को कैसे रोकता है, क्या उन्होंने कहा था क्यों हंसी, वो क्या खुदा के अजीब कामों को खुदा की कुदरत को भूल गई है, क्योंकि वो रास्तबाज की बंदी है, वो रास्तबाज की बीवी है। अगर आज भी हमारी बीवी हमारे बच्चे दाएं बाएं निकले गए तो खुदा हमसे नाराज है, लेकिन जो उसके साथ चलते रहेंगे खुदा उसके बदले उसकी बीवी को उसकी औलाद को माफी देता है, लेकिन पहले खुदा हालात करता खुदा था, लेकिन अब खुदा क्या है, मेहरबानी का खुदा है, बढ़ते देने वाला खुदा है, दिल से जान से रूह से। और यहां पर जब लिखा गया है ना एक दूसरे पर को क्या करो, एक दूसरे पर क्या करो, एक दूसरे पर मेहरबान हो, यानी रहम करते रहो, क्योंकि कल को आप भी इसी किसी मुश्किल परेशानी में फंस ना जाओ, बल्कि कहा गया कि एक दूसरे की अगर कोई गलती नजर आए भी ना तो मुआफ करो, खुशी के साथ नरम दिल हो जाओ, सख्त दिल ना करो, क्या करो, नरम दिल, नहीं चंगी का कुछ तो कुत्ता ही नहीं आया, अगर फंसिया गया तो अपने को कुत्ता,
हम उसको सुधारने की बजाय उसको हम और नीचा करते हैं। लेकिन खुदा कहता है एक दूसरे को क्या करो, मेहरबानी करके मुआफ करो। लेकिन ऐसा जज्बा खून क्या सफेद खून होते हैं, सफेद खून मैं कभी सुनता था ये चीज, वो कैसे होते हैं कभी कभी ये अभी गर्मी का माहौल चल रहा है पाकिस्तान में तो डंग मारते हैं ना उसके अंदर में ना वाइट सेल हो गया वो कम हो जाए ना उसकी डेथ हो जाए, उस वेरी खून है ना उनके ऊपर सफेद जिधर डॉक्टर सब बैठे थे मैच थोड़ी सांस पड़ी लेट लाइट लेट लाइट तो वो मुझे कहता है कि वो अगर कम हो जाए ना वाइट जो प्लेट सेल अगर कम हो जाए तो उसकी क्या है डेथ हो जाती है। अगर उसको उसी व्हाइट सेलों में कोई 1200 के अंदर लगाया जाए तो मैं तो कोरोना में भी ऐसे चल रहा था लेकिन ये गर्मी भी हुई है इनकी जरा वो दिखाई करता है सारे इनके बचाता है। तो हम सब क्या है एक दूसरे के ऊपर दया करनी है, मेहरबान रहना, मेहरबान जब यीशु है खुदा का बेटा है वो मेहरबान सी हर एक इंसान के ऊपर, और जैसे ही वो मेहरबानियां करता था उनको वो सरफराज करता था उनके साथ वो रहता था, और जैसे ही ये बरकत देकर जाते हैं तीनों मर्द आगे की तरफ तो क्या एक और बंदे के ऊपर, और उन्होंने कहा कि अगर आज मैं अपने बंदा से ये बात छुपाऊं तो चल पड़ते हैं कहते हैं बस तुम खुदा को तबाह करने के लिए जा रहा वहां पर क्या था दूध पर, और उसके ऊपर खुदा ने मेहरबानी क्या किया पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया, गंडक फेंक दी, आग नाजल हो गई, और वो आज तक सबूत मौजूद है। उसकी बीवी ने लालच किया और पीछे मुड़कर देखा तो क्या हो गया नमक का सुकून बन, वो खुदा की मेहरबानियों को भूल चुकी थी, खुदा के करम को भूल चुकी थी, खुदा की बख्शिश को भूल चुकी थी, लेकिन लालच हमें हलाकत तरफ ले जाता है, लालच गुनाह है। अगर हम खुदा की मेहरबानी को याद करें कि उसने क्या किया था, मेहरबानी उन तीनों मर्दों पर दी, और लिखा हुआ है उसने कहा था कि मेरी जवान दो बेटियां हैं जो कुछ आप करना चाहते हो उनसे करो, लेकिन इन तीनों मर्दों को मैंने अपने घर में दे दिया है। लेकिन कहते हैं बच्चे से लेकर जवान तक बूढ़े तक उसके घर के दरवाजे पर दस्तखत, लेकिन खुदा उस घर पर मेहरबान, जैसे ही वो आया उसने ये कहा तो नहीं वो ही मुझे वो ही तीन मर्द चाहिए, वो कहता नहीं आज वो मेरे मेहमान है, आज वो उनकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। लेकिन खुदा ने क्या किया उन तमाम लोगों को अंधा कर दिया, और खुदा अपने लोगों को ऊपर जब मेहरबान होता है वो उस शहर से बाहर निकालता है। वाकई ही खुदा मेहरबान है, जिनके साथ वादा करता है सच्चा करता है, छाड़ता नहीं है। बेशक हम सोचे और हम जानते हैं खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, खुदा देखो आगे जाता है नए आत्मा में भी आता है जहां पर मैं कहता हूँ खुदा वाकई यहाँ पर यह खुदा बड़ा जालिम गिना गया से सजा को माफ नहीं करता हलाक कर देता ही, थोड़ी जी भी गलती होती है ना उसी की मौत। लेकिन जब हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया फजल ज्यादा मेहरबानियां हो गई और ज्यादा करम हमारे ऊपर हो गया। लुका की इंजील उसका 5 बाप उसकी 29 आयत से जरा देखे क्या है, अगर 27 आयत से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मैसूर लेने वाले को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और मैसूर लेने वालों और औरों को जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। यहाँ पर कौन था, एक लावी मसूल लेने वाला
जिससे लोग नफरत करते हैं, टैक्स देता है लोगों से, और तो वो तो आज साढ़े को भी टैक्स करते हैं, उसकी नफरत का जिन जिन ऊपर टैक्स लगा हुआ है ना, देखते हैं पिछले तो अपने ग्यारह बंदे की क्या बंदा नहीं है। तो ये जो था ना मसूल लेने वाला लावी, जब लेता था तो यीशु मसीह पर उसकी नजर थी, यीशु मसीह को चलते देखा तो क्या किया, यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़ता। वो जानता था कि ये मेहरबान खुदा, ये बख्शने वाला खुदा है, इसकी बख्शिश हमेशा मेरे साथ। तो क्या होता है, क्या भी सुना है हमने, तो ये लफ्ज अच्छा है, मेहरबान छो तो है, फिथे की पड़े है जड़ी बहने तलावत की थी। इन बातों के बाद क्या हो गया, वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाला की उस क्या था मसूल लेने वाले की चौकी पर बैठा, देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल आ। असी कहा कि नहीं, आज ये तो बाजार लियो, मैं बहावे का पाल लिया। यसू खादम सी था, हकीकी खादम सी, उसने एक दफा ही देखा और उसको आवाज दी तो क्या किया, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गया। वो जानता था कि ये मुझे निजात दे सकता है, वो जानता था कि वो मेरी मदद कर सकता है, वो मेरे ऊपर हमेशा मेहरबानियां कर सकता है। मैं उसके पीछे अगर आज सब कुछ छोड़कर चला हूं तो वो मुझे क्या करेगा, फिर से बहाल करेगा, मेरी आमदनी को बढ़ाएगा। मैं जो मेरे ऊपर लोग बुरी सोच रखते हैं उनकी सोचों को बदल दिया। आगे हम देखते हैं, ये तो वो एक हो गया, एक और बंदा था जिसके ऊपर खुदा मेहरबान, एक और खानदान था जो खुदा की खिदमत कहां से करते हैं, खिदमत का थोड़ा ही नहीं करते नहीं पानी पेश किया, खाना पेश किया, वैसे तो यही खिदमत निकाले था भाई। इसी बात लूका की इंजील में है, 10 बाप की 38 आयत में जा रहा है, फिर जब जा रहा था तो वो एक गांव में, फिर जब जा रहे थे वो एक गांव में दाखिल हुआ और मत्ता नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मत्ता खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मत्ता मत्ता तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र व तर्दद में है, लेकिन एक चीज जो जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आमीन। देखे उसकी दो बहनें थी और खुदा जब भी विजिट पर निकलता था तो घर गांव बीच में आता था और उनके घर में ठहरता और ये खिदमत करती रहती थी, खिदमत बल्कि किया जो खानी थी, मैं किचन दे वाट के खाना पकान लो, ये भी खिदमत ही है, जिसको भी जो जो भी थोड़ा मिला है ये खिदमत ही है। हम किसी को कोई भी खिदमत करते देखे ना हम खुश होना चाहिए, उसने भी कहा तुम्हें जो खिदमत करते वो भी अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी खिदमत क्या है जो तेरी बहन ने हिस्सा चुना है, वो है खुदा के पास करना। कहना भी पास्टर साहब ने की खिदमत अच्छी, वो जो आप कर रहे हैं वो भी खिदमत है, कल सारी प्लान सुना ला बैठ गए थे दूजे खिदमत की कर रहे हैं, तो दूजे हमें हिस्सा का हिस्सा है, सब ने हिस्सा करना है और खुदा पर हमेशा मेहरबान रहेगा। छोटी खिदमत कोई भी नहीं, जो भी खिदमत है सबसे बढ़कर हर एक जिसमें दिए हजार अलग अलग ने हाथ का काम नहीं करना है, पांव का काम चलन नहीं करना है, लेकिन पांव ना हो तो हम चल नहीं सकते, हाथ ना हो तो हम काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, लेकिन खुदा ने कहा है सर जो है यीशु मसीह सबका, तुम्हारा खुदा यीशु मसीह सबका खुदा है, जो भी जिसको भी खिदमत मिली है सबका कौन है निजात दहिंदा,
तू ऊंची कहो, सबका निजात दहिंदा कौन है? सबका निजात दहिंदा कौन है? देखो एक बंदा ना छोटे कद का, उसने क्या किया? जरा निकाले सारा लूका 19:5-6 पढ़े, क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके क्या कहा? ऐसे कहीं जल्द उतर आ, कि आज मुझे तेरे का रहना जरूर है। आमीन। क्या की कड़ा दूसरा करके क्या है? सबका निजात दहिंदा कौन है? यीशु मसीह। तो कई किसे चढ़ गया सी? एक दफा एक हमारे चाचा ने एक बात सुनाई, ये कई छोटे कद का था, ऊपर चढ़ गया, तो यीशु ने इशारा किया तो कई थल्ले आ जा। वो कहता है ये आ गया, पट देगा। लेकिन उस इशारे को समझता था ये की है, उन्हें क्या निजात तो बड़ी मुश्किल होते चढ़िया, उसको देखने के लिए वो ही मुझे काटने को आ गया है। और जैसे ही वो नीचे उतर आया, उसने परवाह ना की कटने की, क्या हुआ? उसने परवाह ना की कटने की, और खुदा जब उसके घर में गया तो क्या कहा? आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। तो आज हमारे घर में भी क्या होगी? किसके वसीला से आएगी? किस वजह से आएगी? इब्राहिम ने की थी तारीख जमीन तक चुका खाना तो मिलू ही आता, लेकिन चुकना जमीन तक चुका तो उसको क्या हुआ? उलाद की बरकत से वाला माल। उसको कहा गया था नस्लों तक, एक बेटे से नहीं नस्लों तक तुझे बरकत मिलेगी, इतनी मेहरबानी खुदा उसके ऊपर। और उसको क्या किया गया? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है उसको? रास्तबाज होता। बाबा तो आप भी रास्तबाज हो सकते हैं। तो कहीं ने क्या किया? स्टेज पे बैठ के कटन का इशारा मिलया, आया तेरे दो कपड़े कपड़े नहीं। लेकिन आज खुदा हमारे हजारों टुकड़े भी करते हैं, उस टुकड़े में से यही आवाज आनी चाहिए, यीशु हमारा नजात दहिंदा है, यीशु हमारा नजात दहिंदा है। की बात है, किधर से आई? बड़ा तो यीशु किया है हमारा नजात है। उसमें कैसे हमें निजात? कोई एक सवाल है, एक छोटा सा बेवकूफी वाला सवाल है, शायद कहीं पता नहीं है, नहीं पता। अपनी जान दे। अरे जोरदार ताकत पाई, कौन है अपनी जान देगा? वो एक ही हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह, जिसने सच्चे वादे के साथ हम सबों को उस भरोसी गुनाह से खलासी कर और हम सबों को अबदी जिंदगी में दे। अरे भैया खुदा आज के इस कलाम पर। Thank you.